तो भाई मैं निकल गया अभी मेट्रो से बाहर, बीजिंग के बारे में अब बताता हूँ आपको कि अभी अब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको फील होता है कैसे आएगी, जैसे ओल्ड दिल्ली में आ गए हो। ओल्ड से तो खैर ओल्ड दिल्ली से तो फार बेटर है, बट थोड़ा स्टफ है वैसा। ये देखना अब मेरे को, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि भाई ऐसे ज़मीनें टूट रखी हो नीचे, अभी तक तो नहीं देखा था, अब देख लिया। तो ओल्ड दिल्ली वाली फील आ रही है मेरे को यहाँ पे। चलो थोड़ा सा भाग लेते हैं। हाँ तो ओल्ड दिल्ली की बात कर रहा था मैं भाई, ओल्ड दिल्ली वाली फील पूरी आएगी यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया वाली। ये देखना, पता नहीं बना रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। तो जो चाइना की मेरे को अभी तक फील आ रही थी ना शंघाई में, चोंगशिंग में, शियान में, वो भाई काफ़ी, जबकि ये कैपिटल है यहाँ की बीजिंग चाइना की, बट बहुत अलग हिसाब किताब है यहाँ पे। देखना तो आपको जो बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो आपको शंघाई में मिलेंगी, शियान में भी हैं, चोंगशिंग में तो है ही, खैर वो तो खैर एडवांस है बहुत ज़्यादा। तो ये है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, मैं कल अपने होटल के स्टाफ से बात कर रहा था तो उसने मेरे को एक बात बताई, यहाँ पे जो पुलिस है, यहाँ पे जो पुलिस है नॉर्मल, किसी के पास भी गन नहीं है भाई, किसी के पास भी गन नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास भी नहीं है और वैसे भी अलाउड नहीं है, अगर आप लाइसेंस भी लेते हो तो वो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वैसे तो आप रख ही नहीं सकते, वैसे भी अलाउड नहीं, लाइसेंस भी लेना अलाउड नहीं है, और अगर आप दिख गए कहीं पे भी गन लिए हुए भाई 3 से 4 साल की सज़ा सीधा अंदर जेल के। और यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है भाई, डेमोक्रेटिक नहीं है कि भाई जो मर्जी बोला वो हो जाएगा और आपकी रिश्तेदारी में निकल जाएंगे, छूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे सिंगल पार्टी वर्क करती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो चाहे वो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीन है, मैं देख लेता हूँ मैं सही भी जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मैं दोबारा वापस से लौटना पड़ेगा। ओके सही जा रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ भाई द पैलेस मॉल करके नाम है इसका, इसकी बेसमेंट 1 में कोई इंडियन फूड है, अब पता नहीं वहाँ पे है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर आप एप्पल मैप पे गूगल मैप पे जो रेस्टोरेंट देख रहे हो ना आजकल, वो सारे या तो चले गए हैं क्योंकि कोविड की वजह से, ये आफ्टर कोविड है, अब 2024 चल रहा है, बहुत साल से लोग घर चले गए हैं, कोई काम धंधा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे बचा हुआ भाई, ठीक है। अब बैक टू वर्क आ रहा है धीरे धीरे धीरे, टूरिज़्म आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जब बारिश आने लगी भाई, क्या यार जब भी मैं निकलता हूँ ये बारिश वारिश स्टार्ट हो जाती है। अब भाई बहुत डिफरेंस है बीजिंग में आके यहाँ पे यार, मैंने सोचा बीजिंग में आके यहाँ पे लगेगा भाई कैपिटल है तो अलग ही लेवल होगा, भाई नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, ऐसा लग रहा है इंडोनेशिया की सड़कों पे घूम रहा हूँ मैं। तो भाई तो होटल के साहब ने मेरे को बोला कि किसी भी आपको पुलिस वाले के पास गन नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे जो लोग हैं यहाँ के वो भी फील सेफ करते हैं कि भाई गन नहीं चलाएंगे, बट गन सिर्फ आर्मी वालों के पास है, वो भी इमरजेंसी में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा एकदम ग्रुपिज्म करके लोग बाग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आर्मी आती है तब जाके कुछ एक्शन लेती है, बट ऐसे नॉर्मली किसी के पास भी नहीं मिलेगा आपको। आपको हाँ डंडे मिलेंगे उनके पास, एक स्टिक रहती है उनके पास, वो जेब में रहती है उनकी, स्टिक्स बॉटल्स वगैरह पूरा पैक्ड रहता है उनका, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट और कुछ भी नहीं मिलेगा यार। तो ये मेरे को बहुत सही लगा देखा जाए तो। इंडिया में तो खैर भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गन्स वंस सप्लाई बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रखनी हो तो खैर डिफेंस के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी सेफ है भाई। मैं कह रहा हूँ भाई यूएस से बहुत बहुत सेफ, यूएस से तो खैर आजकल सारी कंट्री बहुत सेफ है, बेटर देन दैट, बहुत ज़्यादा सेफ है। तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में भाई थोड़ी स्नोफॉल्स जैसी गिर रही थी,
बहुत हल्की स्नोफॉल हो रही थी यहाँ पे। टेम्परेचर इस टाइम है 1 पे, -1 ऐसे चल रहा है टेम्परेचर यहाँ पे फिलहाल तो। ठीक है भाई, टेस्ला कार ना यहाँ पे बहुत बहुत नॉर्मल लेवल, मतलब सब जगह टेस्ला खड़ी हुई है। इलेक्ट्रिकल चाइना अपने आपको इतना इतना डेवलप कर लिया कि बस सब वो चाहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल कार यहाँ पे घूमे, वो ही एफिशिएंट रहेगा, नो पोल्यूशन कुछ भी नहीं रहेगा पोल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो ये मेरे को सही लगा, ये स्टेप बहुत सही है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इधर ही उधर चला रहे हो, और वो क्या होता है, ऐसा भी नहीं कि आप दूर तक नहीं जा सकते हो, अगर हर जगह स्टेशन बने हुए हैं ना, मतलब बैटरी इनके इलेक्ट्रिक कार की हर जगह स्टेशन बने रहते हैं, तो क्या होता है आप गाड़ी पार्क करो वो पूरी बैटरी चेंज कर देते हैं, तो आप यहाँ से मान लो 50 या 100 किलोमीटर गए, ठीक है, बैटरी ख़त्म हो गई, जो नेक्स्ट स्टेशन आपको पड़ेगा वहाँ पे जाके बैटरी स्वैप हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बैटरी, और नई बैटरी लग जाएगी, अब आप 50-100 किलोमीटर और जा सकते हो। सेम ऐसी जब ख़त्म हो जाएगी दोबारा से सेम यही प्रोसेस, और बैटरी को चार्जिंग में लगा देते रहते हैं, तो ये बहुत सही लगा मेरे को इसका सिस्टम। तो आपको साइकिल सब जगह मिल जाएगी यहाँ पे, अपना साइकिल उठाओ, स्कैन करो वी चैट से और लेके भागो इनको। पता नहीं कितनी दूर है मॉल भी, वो द प्लाजा उसके बेसमेंट 1 पे है, फूड का देखना पड़ेगा। तो भाई ये आगे द प्लेस करके इसका नाम है मॉल का, इसके बेसमेंट में B1 में, अभी जाते हैं नीचे, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा है यार, सही बना रखा है, मतलब अच्छा बना रखा है। मेरे को लगता है सारा मॉल के बेसमेंट में ही रख रखा है क्या उन्होंने, क्योंकि ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा है, खाली बड़ा है पूरा पूरा, ये पूरा खाली है यहाँ पे। चलो बेसमेंट में चलते हैं, देखते हैं, इसका नाम है द प्लेस, आप यहाँ पे आ सकते हो देखने घूमने। विक्टोरिया सीक्रेट, तो B1 में चेक करते हैं। आपका लिंक बता दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आ सकते हो आप, इंडियन रेस्टोरेंट है, इसका नाम है गंगा गवर्नमेंट, बेसमेंट 1 पे है, तो यहाँ पे आ सकते हो आप खाना खाने, मेन्यू में आपको अंदर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बफे भी है, सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे, B1 में है, बेसमेंट 1 में, आपको पता नहीं लगेगा अगर आप ऊपर हो तो B1 में आना नीचे, ठीक है, लेफ्ट लेना ना, लेफ्ट है ना यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट लेके थर्ड शॉप, राइट राइट लेके थर्ड शॉप, राइट लेके थर्ड शॉप है यहाँ से, ठीक है, हाँ बता दें। तो भाई रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया लोग है, गंगा करके रेस्टोरेंट इसका नाम है, तो आप आ रहे हो फॉर श्योर बीजिंग में, यहाँ पे सीधा डायरेक्टली आइए बिना कुछ सोचे समझे, मेरे को तो बड़ा सही लगा यहाँ पे आके। ठीक है,
और ये B1 में है, बेसमेंट 1 में है, आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है और आपको राइट लेना है अंदर घुसते ही, ठीक है। वहीं पे सामने है ये रेस्टोरेंट, आपको मिल जाएगा, मस्त खाना था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया है एकदम। और ये रात को और बढ़िया होता है यहाँ पे, तो CBD इसका नाम है, द प्लेस मॉल करके इसका नाम है, और यहाँ पे इसी के CBD भी बोलते हैं इसको, इस जगह को। और यहाँ की टॉलेस्ट जो बीजिंग की बिल्डिंग है वो जस्ट यहीं पे है राइट में, मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है इसके राइट साइड में जाके आपको बीजिंग की टॉलेस्ट बिल्डिंग मिल जाएगी यहाँ पे। अब पता नहीं कितने फ्लोर की है वो, मेरे को भी नहीं पता, देखते हैं जाके क्या सीन है। यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, टिम हॉर्टन्स, H&M वगैरह, तो ये ऐसे ही बना रखे हैं अलग अलग करके उन्होंने, ठीक है। मॉल ऐसा नहीं है कि भाई इनसाइड द सिक्योरिटी है, पूरा सिक्योरिटी क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी क्रॉस नहीं करना। तो भाई रात को आएंगे यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि रात को यहाँ पे बढ़िया दिखेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग वाइटिंग पूरी है, बट ये रात को जलेंगी, तो रात को यहाँ पे एक बार आएंगे दोबारा से, देखते हैं फिर कैसा है यहाँ पे। ये बोल रहा था टॉलेस्ट बिल्डिंग है, पता नहीं कौन सी है, ये तो किसी एंगल से नहीं लग रही टॉलेस्ट बिल्डिंग, चाइना फाइनेंशियल बैंक है इसका नाम। ओह वो रही, देखिए आपको सामने, इसके पीछे है, थोड़ी सी दूर है, दिखाता हूँ आपको जाके। तो मेरे को बोल रहा था रेस्टोरेंट का स्टाफ कि यहाँ पे कुछ जैसे बाइक्स वगैरह ये है ना, यहाँ पे बाइक्स ये आप ले सकते हो ऐप से, बट कुछ कुछ खुली भी रहती हैं, कभी कभी कोई बंदा छोड़ ही जाता है ऐसे ही, तो मतलब उसको क्लोज करना भूल जाते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं इसका रास्ता किधर को है, ये रहा CBD लिखा है यहाँ पे, तो ये दिख जाएगा आपको CBD के जस्ट राइट साइड में है ये। बस चोंगशिंग में तो भाई अलग ही लेवल की बिल्डिंग्स है, कोई मुकाबला नहीं, वहाँ तो सब बिल्डिंग्स ही यार 90, 70, 60, 70, मतलब ये नॉर्मल है वहाँ पे भाई, बहुत नॉर्मल एकदम। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, सब जगह पे यार ये गार्डनिंग वगैरह बहुत चल रही है यहाँ पे यार, ये देख रहे हो, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना हर जगह पे उन्होंने मतलब फूल वूल तो कुछ है नहीं ना, मैं पता नहीं क्यों नहीं है, और सब जगह पे गार्डनिंग वार्डनिंग चल रही है। तो भाई सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग ये है, CITIBC करके इसका नाम है, ये इसका नाम है शायद से, जितना मेरे को पता है ये है 1700 फीट की राउंड में ये बिल्डिंग है बनी हुई, और या CITIC इसका नाम है, टावर है इसका नाम, और ये 1700 फीट में बनी हुई है। इससे पहले भी जो ऑलरेडी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से है वो है चाइना का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग, वो है टॉलेस्ट में, 1000 फीट की वो है, और उसके बाद इसका प्रपोजल आया बनाने के लिए, जो कि बीजिंग की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से आती है CITIC, और तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो भाई बीजिंग की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो ये है, CITIBC करके इसका नाम है, ठीक है। आप यहाँ पे आ रहे एक बार यहाँ पे आ सकते हो देखने, इसको बहुत सही जगह है,
इससे पहले जो टॉलेस्ट थी चाइना की बिल्डिंग वो चाइना ट्रेड सेंटर बिल्डिंग थी, ठीक है, तो वो 1000 फीट में थी अराउंड, और ये 1700 फीट में है, तो ये उससे भी बड़ी है देखो। तो ये यार ये पूरा एरिया CBDC नाम से मशहूर है, तो आप किससे पूछ सकते हो अगर यहाँ पे आ रहे हो। और ये उस वाले रेस्टोरेंट के बहुत पास था, इसका नाम गंगा द प्लाजा द प्लेस मॉल करके नाम है वहाँ पे, उसके बहुत क्लोज है वरी बिल्डिंग। अब देखना पड़ेगा तो उसमें क्या सीन है इसका। तो कैमरे सब जगह लग रहे हैं, देखो यहाँ पे कैमरा लग रखा है, जैसे यहाँ पे लाइन 10 चलती है किसी के पास में। अब क्रॉसिंग का पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे जाने का, देखना पड़ेगा। तो वो है भाई टॉलेस्ट बिल्डिंग, आपको पीछे दिख रही होगी वो भाई बिल्डिंग। और ये बिजनेस सेंटर्स भी यहीं पे बने हुए हैं, न्यूज़ वगैरह सीसी सब कुछ यहीं पे ही है बना हुआ। मुझे लग रहा बिजनेस हब है यहीं पे ही है बना हुआ इसका। हाँ चलो देखते हैं मॉस्को को बनाता हूँ। तो भाई ये रही मेरे पीछे द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ बीजिंग, मतलब ऐसे नेक को पूरा ऐसे करना पड़ेगा तब दिखेगा टॉप पे, इतनी बड़ी है। 109 इसके अंदर फ्लोर है, 1700 फीट पे है पूरी की पूरी। और जो सेकंड टॉलेस्ट है वो है चाइना ट्रेड सेंटर वाली, तो ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ की। और भाई बहुत सही है, 109 स्टोरीज में बनी हुई है, और डिज़ाइन बड़ा सही है इसका नीचे का ना, बड़ा सही लगा मुझे डिज़ाइन इसके नीचे की। खैर बिल्डिंग तो काफ़ी सारी हैं इसके बगल में, इससे इधर भी है ये एक। तो बाइक्स वाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे सामने, खैर इसके तो ये है भाई यहाँ का। अब हम चलते हैं दूसरी जगह पे जो कि है फॉरबिडन सिटी इसका नाम, और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या एग्जैक्टली, बताता हूँ फिर मैं उसके बारे में आपको, फॉरबिडन सिटी के बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। यहाँ से मेरे को लेनी है लाइन 1 पे आएगी, तो यहाँ से लेनी है लाइन 1 और मैं आपको दिखाता हूँ फिर जाके वहाँ पे क्या है। यहाँ पे ऊपर जाना शायद अलाउड नहीं है, स्टाफ रिजर्व लिखा हुआ है इस पर। तो भाई लोग वोग तो यहाँ पे कुछ है नहीं खास, बट सिक्योरिटी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कैमरा वैमरा लगा रखे हैं ऐसे देख रहे हैं भाई। चलो तो वापस चलते हैं और यहाँ से
रोड क्रॉस करनी है बस सामने, और फिर अपने को इधर टर्न लेना है। तो भाई मेरे पीछे है वो चाइना का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये आपको दिख रहा होगा पीछे इधर की साइड पे। जरा सामने ये टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, सेकंड मतलब अभी सेकंड हो गई, पहले फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग में से थी, अब ये टॉलेस्ट हो गया राइट साइड वाली जो पीछे है, CITPC टावर जो है। अब यहाँ से हमको लेनी है लाइन 2 मेट्रो, और वो हमको पहुँचाती है फॉरबिडन सिटी, और मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ तो लाइन 10 है, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, देखते हैं।